टेक में आपको स्वागत करता हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर में कैसे पता करेंगे कि कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके कंप्यूटर में, खुद के कंप्यूटर में तो आपको पता है, पर्सनल कंप्यूटर में, लेकिन किसी के ऑफिस में गए, किसी के घर में गए, वहाँ पे आपको पता करना है क्या क्या कंप्यूटर में क्या क्या कनेक्ट है। तो यहाँ पे आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ। देखिए, जाएंगे स्टार्ट पे क्लिक किया मेरा डिवाइस एंड प्रिंटर। ठीक है, डिवाइस एंड प्रिंटर जो ऑप्शन होता है कंट्रोल पैनल के नीचे होता है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें एक एक पॉइंट दिखा दें आपको क्या क्या कनेक्ट है। देखिए, जेनिक नॉन पीएनपी मॉनिटर, ठीक है, पीएनपी मॉनिटर है लगाते चलने वाला, क्लॉज यूएसबी कीबोर्ड है, ठीक है, और बालाजी कंप्यूटर का आपने कंप्यूटर का नाम रखा होगा। ये जो मशीन है, जो मशीन ये रखी हुई है, इस मशीन का नाम बालाजी कंप्यूटर है। ठीक है, फैक्स, और ये इसमें प्रिंटर कोई इंस्टॉल नहीं है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर लिखा हुआ है, ये पीडीएफ बनाने के लिए होता है। ये फैक्स मशीन ऐसे ही कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाती है। अगर अलग से प्रिंटर लगा हुआ तो यहाँ पे तीसरा नाम आएगा बना हुआ, जैसे एचपी लेजर जेट आएगा तो यहाँ पे होगा, कैनन का प्रिंटर होगा तो यहाँ पे होगा, सब यहाँ पर आएगा। यूएसबी माउस होगा तो यहाँ पे होगा। अभी जो इसमें माउस है वो PS2 माउस लगा हुआ है, PS2 माउस है, इसलिए नहीं दिखा रहा है। यूएसबी माउस लगा होता ये माउस भी दिखाता। तो इसमें डिवाइस एंड प्रिंटर में सारी चीज़ दिखा देता है आपको कि कौन कौन सी चीज़ कनेक्ट है कंप्यूटर में। ठीक है, कोई भी चीज़, टैबलेट भी कनेक्ट होगा, फ़ोन भी कनेक्ट होगा ना आपका, आप यूएसबी फ़ोन भी लगाएंगे तो भी इसमें दिखाते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ से होता है, स्टार्ट डिवाइस एंड प्रिंटर, सारी चीज़ दिखा देगा इसमें। अपने कंप्यूटर में करके देखना, आपको मालूम मिल जाएगा करके चीज़ दिखा रहा है। ओके, थैंक्स।